क्यों, कौन बदलाएगा? भगवान बदला सकते हैं। इसलिए जो जितने जोर से ताली बजाएगा क्या होगा बताओ? भाग्य रेखा बदलेगी, बीमारी सही होगी, इंटेलिजेंट बनोगे और पाप रूप में चिड़िया तुम्हारी उड़ जाएगी। ठीक है ना? खूब जोर से ताली बजाना और बाद में फिर बोले हरि बोल, हरि बोल बोल, हरि बोल हरि 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 बोल, हरि 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 बोल, हरि बोल हरि बोल बोल, हरि बोल हरि 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 बोल, हरि 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 बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल। द्वैपायन विरहता तर आयु भाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुं स्तम सर्वभूत हृदयं मुनिमान तस्मि। श्री सुत गोस्वामी अपना गुरु जी के चरण की वंदना किए। बोले गुरु जी कौन? बोले साधारण नहीं, श्री सुखदेव गोस्वामी। माँ के पेट में बच्चे 9 महीना रहते हैं, लेकिन मेरे गुरुदेव तो 16 साल तक रहे और वहीं पर भजन कर रहे थे और बाहर निकलने का प्रश्न ही नहीं ले रहे थे। उनको पिताजी व्यास देव ने कहा, बेटा तू है कौन? मैया को इतना कष्ट क्यों दे रहे हो? बाहर निकल कर कहा जा बेटा। बोले पिताजी मैं बाहर निकलना नहीं चाह रहा हूँ। बोले क्यों? बोले यहीं पर बढ़िया भजन हो रहा है, कोई संसार का माया है नहीं, यहाँ पर बढ़िया भजन यहीं पर हो रहा है, घर में बढ़िया भजन हो रहा है। बोले बाहर क्यों नहीं निकलना चाहते हो? बोले एक कारण है। बोले क्या कारण है? बोले हर बच्चा माँ की पेट में भगवान को पास में कसम लेता है। बोले क्या कसम लेता है? बोले जरूर तेरा भजन करूंगा, क्योंकि माँ की पेट में आना नरक में आना बराबर है। पेट में क्या बताओ? टाटी पेशाब खून पी इसके अंदर में रहना पड़ता है, ऊपर में केवल एक छोटा कवर रहता है। मानो जैसे एक व्यक्ति को ऊपर में कोई पतला कपड़ा डाल दो और उसको ऊपर में टाटी पेशाब डाल दो, बताओ कैसे लगेगा? बढ़िया लगेगा ना। ये पेट में वही है, और इतने गर्मी ये पेट में आज अगर रसगुल्ला खाओ ना कल बिस्टा बनकर निकल जाएगा, आज डोसा इडली बड़ा दाल भट चूरमा खाओ फिर कल वो बिस्टा बनकर निकलता है। मतलब पेट में इतनी गर्मी है पेट में, इसलिए उसका सर नीचा टांग ऊंचा रहता है, वो बड़ा कष्ट पाता है। देखना बच्चे गर्भ में रहते समय माताओं को चटपट चीज अच्छी लगती है, नमकीन मीठा खट्टा, लेकिन वो चीज पेट में जाए तो फिर बच्चे को भी कष्ट देता है। कभी कभी बच्चा का शरीर तो केवल एक मांस पिंडला जैसे रहता है, कुछ नहीं चमड़ा नहीं होता है कभी कभी, और उसमें अगर कोई नमकीन चीज मिर्च डाल दो बताओ कि इतना बढ़िया लगेगा ना। इसलिए कोई कोई बच्चा तो गर्भ में ही प्राण त्याग दे देता है, इतने कष्ट उसको घर मिलता है। फिर अभी और एक निकल गया भ्रूण हत्या, जब देखते हैं ना बेटी आ गई फिर तो बेटी को मार देती, नहीं
बेटी आए नहीं तो बेटा आए, हैं दोनों बराबर रूप में रखा करनी चाहिए। इसलिए घर में बेटी आए ना, दुनिया कहते घर में लक्ष्मी आई, घर में लक्ष्मी आई है। बेटा आए तो कोई नहीं कहता है नारायण है आए, कोई बोलता है घर में बेटा आए तो क्या बोलते हैं घर में लक्ष्मी आई। और जो कन्या दान को सबसे श्रेष्ठ दान मानी गई है, इसलिए बेटी आए तो ये समझना घर में मां लक्ष्मी की कृपा होती है बेटी आने पर। इसलिए भगवान कहते माँ मातृगर्भ में हर बच्चा हजार साल भी याद आता है, पूर्व जन्म में कई समय ने उल्टा पुल्टा कर्म किया और उसका फल कई समय अकेला भोग कर रहा हूँ, उसको ये चीज अनुभूति होती है। जगत में कोई किसका है नहीं, सब सुख में थे कोई दुख में है नहीं। भगवान को पुकारता है, भगवान कहते बताओ अभी क्या करोगे, बोले प्रभु ये नरक से जल्दी मेरे को निकालो, अभी मैं कसम खाता हूँ एक बार अगर ये नरक से मेरे को निकाल दोगे ना मैं कभी भी ये झूठे संसार में नहीं फंसूंगा, उठते बैठते सोते तेरे माला जप करूंगा, तेरा माला जप करूंगा, भजन करूंगा। भगवान कहते सच बोलते हो, भूलोगे नहीं, बोले एकदम नहीं भूलूंगा मैं कसम खाता हूँ। भगवान ने कहा देखो अगर भूल जाओगे ना बीच बीच में मैं तेरे को वार्निंग दूंगा, बोले क्या वार्निंग दोगे, जब पहले जब एक बाल पक जाए ना ये मेरा फर्स्ट वार्निंग है। अब लक्ष्य करके देखना जो बाल पकता है कहाँ से पकता है, जानते हो सबका बाल यहीं से पकना शुरू होता है, कान में पहला बेल दे दिया, बोले क्यों बोल करके आया था ना हरिनाम करोगे भजन करोगे, कितने समय टीवी इंटरनेट और स्मार्टफोन में लगे रहे हो और कितने समय भजन करते हो, लेकिन एक बाल पक जाए ना हम क्या करते हैं उसको हम उखाड़ देते हैं, तो थोड़ी हम बूढ़ा बूढ़ी बन गए हम कुछ नहीं हुए। भगवान फिर दूसरा वार्निंग देंगे, दूसरा बाल पक जाएगा उसको भी उखाड़ देते हैं, लेकिन जब खिचड़ी हो जाता है ना फिर क्या करते हैं फिर मेहंदी ला करके कलर कर देते हैं, फिर उसको बाल को कलर कर देते हैं। भगवान कहते दूसरा वार्निंग दूंगा, बोले क्या दोगे, बोले आंखों में देखना कम हो जाएगी, फिर बढ़िया चश्मा लगा लेते हैं। फिर तीसरा वार्निंग दूंगा, बोले क्या करोगे, बोले एक एक कर दांत तोड़ना शुरू करूंगा, फिर डेंटिस्ट के पास में जाकर के फिर 32 दांत लगा देते और फिर भी आकर घसते, बोले कुछ नहीं हुआ। भगवान कहते फिर तुमको फोर्थ वार्निंग नहीं दूंगा, फिर तो राम नाम सत्य है, सत्य बोल करते। इसलिए ये एक एक वार्निंग है, हम सबके सब भगवान को गर्भ में यही कसम खा करके आए थे, संसार करने के लिए नहीं आए। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं आए थे हरि भजन को ओटन लगे के पास, आए थे भजन के लिए लेकिन भजन को रख दिया पीछे, जो काम करने के लिए नहीं आए थे ना उसको रख दिया आगे कर दिया उसको आगे, और जो काम करने के लिए आए थे उसको रख दिया पीछे, हमने कर दिया उसको हमने पीछे कर दिया। इसलिए हमारे जो भारतीय संस्कृति है अंतिम समय में जब शरीर छूटता है क्या बोलते बोलते ले जाते हैं, बोलो क्या बोलते बोलते चार व्यक्ति कंधे पर ले जाते हैं, बोलो जोर से, कोई बोलता है तेरा बेटा सच्चा है, तेरा बीवी सच्चा, तुमने जो लिखाई पढ़ाई दुनियादारी किया सच्चा, कोई बोलते हैं। लेकिन हमारी एक बहुत बड़ा स्वप्न है, हम बॉलीवुड में हीरो हीरोइन बनना चाहते, हमारी अभी तक जो लड़का लड़कियों का है उनका तो इच्छा हम बॉलीवुड में हीरो हीरोइन बने। आप बताओ 10-20 साल पहले जो हीरो हीरोइन थे अभी दुनिया में कोई उसका नाम ले रहा है कोई है? एक एक कौन थी बाथरूम में मर गई, कौन थी श्रीदेवी है, वो बाथरूम में गई इतने शराब पी कर रखी थी हाँ, वो जो जिसमें स्नान करती है उसमें प्राण त्याग कर दी, इतने शराब पी कर रखी थी। इसलिए हाँ हीरो बन तो भगवान की भक्त बन करके हीरो बनो, हनुमान जैसे हीरो बनो, मीराबाई जैसे हीरो बनो, गोस्वामी तुलसीदास जैसे हीरो बनो, देखना दुनिया तुम्हारी पूजा करेगा, दुनिया में तुम्हारी पूजा होगी, हीरो बनो तो भगवान की भक्त बन करके बनो। इसलिए यहाँ पर वो मातृगर्भ से निकलना नहीं चाह रहे थे, व्यास देव जी ने कहा मैंने माया को हटा देता हूँ, बोले आप नहीं हटा सकते, बोले कौन हटा सकता है, बोले कृष्ण स्वयं हटा सकते हैं। जब भगवान कृष्ण आकर हटाए श्री सुखदेव गोस्वामी प्रकट होते हैं, प्रकट होकर के अभी उपनयन संस्कार भी नहीं हुई और भजन करते हुए जा रहे, पिता पीछे पीछे चल रहे हैं, हा पुत्र करते करते प्रतिध्वनि आ रहा था, हा पुत्र कौन किसका बेटा कौन किसका पिता है, संसार झूठा संसार है, हैं? तब श्री सुत गोस्वामी पहले अपना गुरु जी को प्रणाम किए, बोले श्री गुरुपाद पद्म की जय जय श्री राम जय।
जय जय श्री राम जय जय श्री राम। हाँ, यहाँ पर गुरु जी को पहले क्यों प्रणाम किया, इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं ना, बोले गुरु गोविंद दो खड़े का के लाज पाऊं, और उस बाद में बलिहारी श्री गुरु जी जो गोविंद दियो बना। इसलिए अगर भगवान और गुरुदेव खड़े हुए, पहले किसकी चरणों की पूजा करनी चाहिए, बोले गुरु जी की चरण में। बोले क्यों, बोले भगवान की चरणों को हम दिखाने वाले कौन है, गुरुदेव है। इसलिए कृष्ण कहते हैं प्रथमं तु गुरुं पूज्यं ततश्चैव मम आचरणं, पहले गुरु जी की चरण की पूजा करो फिर मेरी चरण की पूजा करो। कृष्ण कहते हैं जो बगैर गुरु जी की पूजा के बगैर डायरेक्ट मेरी पूजा करता है उसका पूजा निष्फल हो जाता है, उसका पूजा का कोई फल नहीं मिलता है। इसलिए गुरु जी की वंदना की। देखो तो छोटी सी कथा सुनो, बोले एक घर में कोई एक साधु कथा कर रहा था, उनने कथा करते करते ये बताया, देखो जो व्यक्ति भगवान का नाम को लेता है वो व्यक्ति भव बंधन से मुक्त हो जाता है, लेकिन उसकी घर में एक पिंजरा में एक तोता था, तोता जोर जोर से बोलना शुरू कर दिया, बोले झूठ बोल रहे हो, ये झूठ बोल रहे हो। वो जो बत्ता था बोले भैया तू ऐसे क्यों कर रहे हो, झूठ क्यों कर रहे हो। बोले आप मेरे को ही देखो ना, मैं एक छोटा सा पिंजरा में रहता हूँ, जब जब मालिक को देखता हूँ तब तक राम राम कृष्ण कृष्ण राधे राधे, सबको मैं राधे राधे कृष्ण कृष्ण राम राम बोलता हूँ। अभी ये छोटा सा पिंजरा से मेरी उधार नहीं, आप तो बहुत बड़ी बात करते हो, जो भगवान का नाम ग्रहण करता है वो भव बंधन से दूर हो जाता है, ये तो बहुत बड़ी बात है, ये झूठ बात बोल रहे। वो जो बक्ता था ना वो वापस आया और अपना गुरु जी को ये बात बताया, बोले गुरु जी मैं वहां कथा कर रहा था, तोता ने ऐसे ऐसे बोला, बोले चलो मैं चलता हूँ तेरे साथ, बोले जाओ तू जाकर के वहां कथा सुनाओ मैं यहाँ बैठता हूँ। फिर चला जाकर कथा सुनाए, जो भगवान का नाम लेता है कहते ना, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, वाल्मीकि अति दीन हीन था, बुरे कर्म में सदा लीन था, रामायण तैयार लेकर नाम तेरा है। इसलिए जिन लोगों ने नाम लिया भवसागर से पार हो गए। फिर तोता जोर जोर से बोला, बोले झूठ झूठ झूठ। उनको गुरु जी ने कहा भैया तू ऐसे क्यों कह रहे हो, झूठ 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 बोले। मेरे को देखो ना, ये छोटा सा पिंजरा में रहता हूँ, अभी तक भी सबको राम राम राधे राधे बोलता हूँ, अभी तक ये छोटा पिंजरा से मुक्ति नहीं, आप तो बहुत बड़ी बात कर रहे हो। बोले देख बेटा, तू जो नाम कर रहे हो ना, ये नाम तुमने गुरु जी से नहीं ग्रहण किया है, इसलिए ये नाम तेरे को मुक्ति नहीं दे रहे। तोता ने कहा फिर आप मेरे को आप ही नाम दे दो। गुरु जी ने उसको कान में भगवान का नाम दिया और कुछ मंत्र पढ़ा दिया। मंत्र क्या पढ़ाया आपको पता है? बोले देख बेटा, जब तक ये राम इसकी अंदर में रह करके राम राम करते रहोगे ना, तेरे को मुक्ति नहीं मिलेगी। उसने कहा बताओ क्या करना पड़ेगा। बोले जब ये कथा समाप्त होगी तुम मरने का बहाना बनाना, मरने का बहाना बनाना, फिर देखना क्या होता है, फिर तेरा अर्थी निकालेंगे, जब अर्थी निकालेंगे ना फिर रुक जाना। उसको कान में ये मंत्र सिखा दिए। अभी वो साधु ने जब कथा को विश्राम दिया, इतने में तोता ने अपना शरीर छोड़ दिया। लोग बोले धन्य है ये जीवन, तोता का जीवन धन्य है, देखो ये भागवत कथा सुनते सुनते अपना अंतिम श्वास को त्याग दिया, लगता है बहुत बड़े साधु, चलो इसकी अर्थी हम निकालते हैं। अभी सुंदर इनके अर्थी सजाए और सुंदर गले में फूलों की माला डाले और पिंजरा से बाहर निकाले, जब अर्थी में लेटा करके राम नाम सत्य करते करते ले जाए थे ना, इतने में तोता ने फर करके ऊपर उड़ लिया, जब उड़ गया इतने में गुरु जी ने बताया बेटा ये बताओ गुरु जी से नाम लेने से मुक्ति मिलती कि नहीं। बोले हाँ तभी मुक्ति मिलती है जब मंत्र श्री गुरु जी से ग्रहण करो, नहीं तो मुक्ति नहीं मिलती है। अभी प्रश्न है भैया, ये भगवान का नाम तो गीता भागवत में भी लिखा हुआ है, हम ये गीता भागवत सही क्यों ये नाम को लेकर के नहीं करें, फिर गुरु जी से लेने का क्या जरूरत है। देखो बहुत अच्छे उदाहरण देकर बताए, अब कल आपको पूछूंगा मैं, देखूंगा कौन मेरे को बोल पाता है। ये हमारे जीव गोस्वामी बड़ा सुंदर उदाहरण दिया, बल ऐसे कुछ वृक्ष है जिस वृक्ष का बीज को अगर आप पेड़ से डायरेक्ट लेकर के बो दो ना वो वृक्ष नहीं होगा,
वो वृक्ष कैसे होगा? जब वो फल को कोई चिड़िया खाएगा, वो फल चिड़िया के पेट में जाए, फिर वो बीट करे, पैखाना करे, फिर जाकर वो वृक्ष होगा। बोले ऐसे कौन सा वृक्ष है? विशेष करके दो वृक्ष देखोगे, एक पीपल वृक्ष देखोगे और एक बरगद का वृक्ष देखोगे। आप कभी भी किसी बरगद पेड़ को नीचे, बरगद का पेड़ कभी नहीं देखोगे, पीपल पेड़ को नीचे कभी नहीं देखोगे। कहाँ देखोगे? किसी छत के ऊपर देखोगे, नहीं तो किसी पेड़ के ऊपर देखोगे, कहीं ऊपर देखोगे, हैं? कहीं ऊपर देखो, वृक्ष को नीचे नहीं देखोगे। बोले क्यों? बोले उसको जब कोई चिड़िया उसको खाता है, वो बीज जब चिड़िया के पेट में जाए, फिर जब वो बीज करता है, फिर जाकर वो वृक्ष कहीं होता है, हैं? आप देखना, एक वृक्ष के लिए तीन वस्तु चाहिए, मिट्टी चाहिए, वायु चाहिए, पानी चाहिए, तभी कोई वृक्ष होगा, ऐसे वृक्ष नहीं हो जाएगा। लेकिन आप देखना, पीपल बरगद का पेड़ छत के ऊपर में, जहां पर पानी नहीं, जहां पर मिट्टी नहीं, वहां देखना, वहां पर ये बरगद और पीपल पेड़ हो जाता है। कभी कभी आप देखे होंगे, वो पेड़ को तोड़ दो ना, फिर दोबारा आ जाता है, और इतना जोर जबरदस्ती वृक्ष होता है, वो पूरा छत को फाड़ देता है। कभी कभी देखे होंगे नहीं छत को, करे बोले इतने शक्ति कैसे आ गई? बोले जब वो बीज वो चिड़िया की पेट में गई, इतने शक्ति उसको मिली, बगैर मिट्टी का और वहां पानी के, वहां भी वृक्ष हो गया। कहते उसी तरह जो भगवत जो नाम है, ये नाम कब गुरु जी से क्यों ग्रहण करते हैं? कारण है, ये मंत्र जब गुरु जी की हृदय में जाता है, जब मंत्र जप करते करते एक दिन वो मंत्र साक्षात भगवत स्वरूप रूप धारण करता है, साक्षात भगवत रूप धारण करता है। फिर जब गुरु जी की मुंह से वो मंत्र को ग्रहण करे, फिर वो मंत्र जाकर काम करता है। इसलिए अब देखो, ये वाल्मीकि कितना बड़ा दुष्ट था, पहले दस्यु रचना करता, लेकिन नारद से एक बार मिले तो जीवन परिवर्तन कर दिया। एक व्याध था, जानवर को आधा मारा करके रखता था, लेकिन नारद से एक बार मिले, उनका जीवन परिवर्तन कर दिया है। इसलिए यहाँ पर श्री सुत गोस्वामी सबसे पहले श्री अपना गुरु जी की चरण में प्रणाम करते हैं, फिर उन्होंने प्रश्न का उत्तर देते हैं। पहला प्रश्न क्या था बता, पहला प्रश्न क्या था? सब भूल गए हो। पहला प्रश्न क्या था? आत्मा को शांति कैसे मिलेगी? हैं? देखो एक श्लोक में उसको उत्तर उन्होंने दिया है। बोले सबई पुंसांग परो धर्म जत भक्ति रधोक्षजे आहितु की अप्रतिहता जया आत्मा संप्रसिद्धति। बोले आत्मा को तभी पूर्ण शांति मिलेगा जब जीव भगवान की शरण में जाएगा, ठाकुर जी की शरण में जाएगा, भगवान को भक्ति करेगा। यही जीव का सर्वश्रेष्ठ धर्म है, भगवान को भक्ति करना। क्यों? जो जीव है वो ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, जीव वो ईश्वर का ही अंश है, अंश होने का नाते उसका कर्तव्य है ईश्वर को प्रेम करना, भगवान को भक्ति करना। आप बोलोगे हम तो भगवान की भक्ति ही करते हैं, फिर शांति क्यों नहीं मिलती? कहते भक्ति दो तरह से करनी चाहिए, उन्होंने दो उदाहरण दिया है। पहला उदाहरण दिया भक्ति अहेतु की होनी चाहिए, उसमें कोई कामना वासना नहीं हो। लेकिन हमारी भक्ति कैसे है? जैसे ठाकुर के पास में गए, 10 रुपया की कोई फल चढ़ाया, नहीं तो फूल चढ़ाया, लेकिन वहां पर्ची भी रख दिया, कम से कम वो 10 करोड़ की होगा। पर ठाकुर जी 10 रुपया की चीज इसलिए दे रहा हूँ, हमारे घर का मकान बना दो, सामने वाला देखो कितने बढ़िया गाड़ी में घूमता है, अभी भी हम बाइक में घूम रहे हैं, अभी हमारी धंधा नहीं चल रही है, अभी बेटी की शादी नहीं हुआ, बेटा का मतलब इसलिए 10 रुपया चढ़ा रहे हैं, ठाकुर जी हमारे घर में वो सारे काम को तुम कर, ये भक्ति नहीं हुआ, ये तो बिजनेस हो गया, इसे बिजनेस होगा। भक्ति में कोई कामना वासना नहीं होनी चाहिए भक्ति में। आप बोलोगे हम तो घर गृहस्थी है, हम थोड़ी कोई साधु संत है, हमें कोई चीज नहीं चाहिए, हम तो घर गृहस्थी है, हमको तो दुनियादारी दुकान मकान सब चाहिए, हाँ हमको तो सब कुछ चाहिए। फिर भगवान को मांगने का जरूरत नहीं, आप केवल उनको निष्काम रूप में भक्ति करते रहो। बताओ हनुमान जी को क्या नहीं मिला? बताओ तुलसीदास जी को क्या नहीं मिला? मीरा को क्या नहीं मिला? सब कुछ भगवान को दिया है, मांगने का जरूरत नहीं, केवल भक्ति करते रहो। नरसिंह भक्त का नाम सुने हो? नरसिंह भक्त का, वो दिन भर भक्ति करता था, लेकिन घर में बेटी है, वो दिन भर भजन कर रहा है, बेटी को कौन शादी दिलाएगा? कृष्ण स्वयं साबरिया सेठ बन करके जाते हैं, इतने धूमधाम से शादी कराए ना,
करोड़ों पति भी शादी से नहीं करा सकते हैं। भगवान की भक्ति करोगे ना, भगवान सारे काम खुद कर लेंगे। मांगने का उनको किस चीज की जरूरत नहीं, वो सब अपने आप सब दे देंगे, सारे चीज को अपने आप दे देंगे। इसलिए मांगो मत। दूसरी भक्ति कैसे होनी चाहिए, बोले निरंतर जयमयी। बोले निरंतर जयमयी मतलब जैसे एक शहद को ऐसे डालो, देखना उसमें एक धागा बनी जाती है, उसमें के धागा बनी जाती है भक्ति। ऐसे निरंतर जयमयी होनी चाहिए भक्ति। भक्ति में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए, हर समय कंटिन्यू भक्ति होनी चाहिए। आप बोलोगे हम थोड़ी साधु है, दिन भर माला लेकर घर में बैठेंगे। अगर दिन भर माला लेकर बैठेंगे तो काम धाम कैसे होगा। हम थोड़ी हम साधु, हम तो बेटा बेटी दुनियादारी। देखो साधु ऊपर से ड्रेस पहनने से साधु नहीं होता है। इसलिए पितामह ब्रह्मा जी कहते हैं तब तक ये दुनिया माया है, कब तक है, जब तक तुम ठाकुर जी के लिए नहीं करते। जब भगवान के लिए करते हो फिर माया नहीं, ये भगवान की भक्ति, ये भगवान के प्रेम हो जाता है। इसलिए संसार छोड़ने का जरूरत नहीं। बोलो बताओ, गोपियां क्या घर छोड़ दी थी, अम्बरीश महाराज क्या घर छोड़े थे, इनको पत्नी थी, ध्रुव प्रहलाद क्या घर छोड़े थे, ये सब गृहस्थ थे। अब जितने भागवत में कथा सुनोगे ना, वो त्यागी तो एक दो व्यक्ति का त्यागी देखोगे, और सबकी देखोगे ये सबके सब घर में रहते, ये सबके सब घर गृहस्थी करते थे हैं। इसलिए खूब पैसा कमाओ, लेकिन पैसा किसी के लिए कमाओ, बोल भगवान के लिए पैसा कमाओ, ठाकुर जी के लिए पैसा कमाओ। रोज बढ़िया बढ़िया दाल बाटी चूरमा बनाओ, लेकिन किसके लिए बनाओ, बोल भगवान भोग लेंगे। घर को बढ़िया करके साफ करो, बोले क्यों, बोले भगवान अगर कभी घर में घूमेंगे भगवान की चरण में धूल नहीं लग जाए। बच्चे को खूब प्यार दो, बोले क्यों, बोले बच्चा बड़ा बन करके भगवान की भक्ति करेगा। इसलिए हर काम को भगवान के लिए करो, और हाथों में जो कुछ करो ठाकुर को सेवा मान कर करो, और मुंह से क्या करो, भगवान की नाम। हाथों में काम और मुंह में जोर से बोलो नाम। फिर बस हो गया, काम ही हो गया। इसलिए अगर ऐसे कोई भगवान की भक्ति करेगा तो क्या, तो उसको जीवन में परम शांति और परम सुख उसको जीवन में मिलेगा। एक बार हाथ उठा कर बोलो, बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कल जन्म लेने वाले। जब मैया जसोदा गर्भ धारण की, जितने ब्रज की गोपियां थी ना, वो 6-6 महीना पहले 84 गज का लहंगा बना करके रखे। जैसे आप लोग राजस्थान में लहंगा पहनते हो ना है, और टोपी पहनते हो, ऐसे गोपियां बड़े सुंदर लहंगा चुंदरी बना करके रखे। बोले नंद के लाला होगा, हम इसको पहन करके बधाई देने जाएंगे। इसलिए कल कृष्ण जन्म लेने वाले, इसलिए कल आप जितने गोपियां आए, मैं देखता हूँ आप तो रोज ही श्रृंगार करके आ रहे हो, बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहन के, कल सबके सब पीले रंग के, सब पीले रंग के लहंगा चुंदरी पहन के आना है कि नहीं, घर में पीले रंग की है कि नहीं, है कि नहीं घर में, लेकिन इनके बाल में तो है ये। इसलिए कल के सबके सब पीले रंग के, सब चुंदरी और पीले रंग के लहंगा चुंदरी बढ़िया, जैसे गोपियां सज धज करके बधाई देने के लिए गए थे ना, कल सारे देवता लोग भी बधाई देने के लिए आए। इसलिए आप सबके सब बढ़िया साड़ी और चुंदरी बढ़िया ओढ़ करके सबके सब गोपी भाव से सबके सब आना, और खाली हाथ से नहीं आना। जैसे बच्चे का बर्थडे में खिलौना टप्पी कुछ ना कुछ लेकर जाना, क्योंकि ये कथा सब आप लोग कर रहे हो, ये सब आपका ही कथा है। इसलिए आप लोग कर रहे हो, इसलिए कुछ ना कुछ लेकर जाना, ठीक है। और हमारे जितने भाई लोग है, हम लोग तो साड़ी पहन करके आओ, ये क्या पहन करके आए। इसलिए अगर हो सके तो हम लोग, अगर किसको घर में धोती हो ना, धोती पहन करके आना। और मैं देखा राजस्थान के आप तो भाई लोग बड़े सुंदर टोपी पहने ना, ऐसे पगड़ी, सुंदर टोपी पगड़ी और बढ़िया सज धज कर कपड़ा नए, अगर बगल बंदी अगर हो अच्छी बात है, अगर ये नहीं हो लेकिन सफेद रंग का कुर्ता पैजामा पहन करके कोशिश करना,
सफेद रंग का हो तो पहन करके आने के लिए। इसलिए कल हम बड़े धूमधाम से यहाँ पर कृष्ण का जन्मोत्सव मनाएंगे। बोले नंद के आनंद भयो, जोर से बोलो नंद के आनंद भयो, बोले श्री नंद के लाला की, बोले श्री कृष्ण के मैया लाल की, जय जय श्री राधे। हाँ अभी हमारे बंसी वदन प्रभु जी आपको सुंदर कथा सुनाएंगे। प्रभु जी कृष्ण के गोरी वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। हाँ हरे कृष्णा, अगर हो सके ना तो भाई भैया अगर इसको थोड़ी सी अगर और थोड़ा सजा सकते सजा दो। ठीक है ठीक है। की ब्रज चौरासी गोस दे, की ब्रज चौरासी गोस दे, चार गाम निज धाम वृंदावन और मधुपुरी परसनानंद की ब्रज समुद्र मथुरा कमल वृंदावन मकरंद ब्रज वनिता सब पुष्प है मधुकर गो वृंदावन। कौन कौन जाएंगे? लगभग सभी लोग जाएंगे, हाथ उठा रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए, वृंदावन कौन कौन गए? सभी लोग नहीं, कुछ लोग गए कुछ गए। अच्छा जो लोग गए वहां बांके बिहारी का मंदिर देखा कि नहीं देखा? बांके बिहारी कैसे हैं? हाँ देख बताएं कैसे हैं बांके बिहारी? काले हैं। अच्छा सुंदर नहीं है? अच्छा बांके बिहारी के मंदिर में 2 मिनट अंदर अंदर पर्दा लगता है, है? क्यों क्यों लगता है पर्दा? क्योंकि हमारे बांके बिहारी इतने सुंदर है, इतने सुंदर है, सुंदरम की बिना सुंदर, तो इसलिए उनको नजर ना लग जाए इसलिए 2 मिनट अंदर अंदर पर्दा लगता है, इतने सुंदर है। और जो भक्त का नयन लड़ जाता है बांके बिहारी से, कल हमारे प्रभु जी बताए थे ना कि जिसका नयन एक बार लड़ जाए फिर वहां से जाना मुश्किल है। तो आइए बांके बिहारी से जो नयना लड़ाता है उसका प्रेम हो जाता है भगवान से, ऐसा मैंने सुना है। ठीक बात है क्या? हाँ नयना लड़ जाते हैं तो प्रेम होता है बांके बिहारी से। तो आइए बांके बिहारी का एक भजन आप लोग श्रवण करें और जिनको नाचने का मन हो वो नाच सकते हैं। उन्हें न लड़ गए बांके बिहारी से, अब घर कैसे जाओ? उन्हें न लड़ गए बांके बिहारी से, अब घर कैसे जाओ? अरे अब घर कैसे जाओ सखीरी, अब घर कैसे जाओ? अब घर कैसे जाओ सखीरी, अब घर कैसे जाओ? उन्हें ना लड़ गए बांके बिहारी से, अब घर कैसे जाओ? उन्हें ना लड़ गए बांके बिहारी से, अब घर कैसे जाओ? अरे अब घर कैसे जाओ सखीरी, अब घर कैसे जाओ? अब घर कैसे जाओ सखीरी, अब घर कैसे जाओ? उन्हें ना लड़ गए बांके बिहारी से, अब घर कैसे जाओ? उन्हें ना लड़ गए बांके बिहारी से, अब घर कैसे जाओ? श्री राधे Thank you.
सखियों का भाव है, तो सखी कहते हैं सखियों का नैन लड़ गया, अब घर नहीं जा पा रही है। कैसे बोले, आप घर कैसे जाओ और घर जाने से क्या होगा? देखिए, अरे घर जाओ तो मेरी साथ रहेगी, घर जाओ तो मेरी साथ रहेगी, घर घर जाओ तो मेरी साथ रहेगी, घर जाओ तो मेरी साथ रहेगी। कह देंगे, कह देंगे ससुर हमारे, रसगुल्ले की कथा है और कल तो कोई नहीं बच पाए, सबको नचना है, इसलिए बहुत देर से आप लोग बैठे हैं। एक बार उसके दो मैं सीधा कर रहे क्या निकालू
Thank you.
कृष्णाय कृष्ण भक्ताय वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि श्री गौरभक्तवृन्द बल हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम बोलिए बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे परम आराध्य निरुपाधिक करुण वारिधि गुरु पाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टम विष्णु पाद अष्टोत्तर सप्त श्री श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी गुरु महाराज जी के चरणों कमल में साष्टांग दंडवत प्रणाम अर्पण करते हुए उनके अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। तत्पश्चात रूपांग गौड़ी गुरुवर्ग अनंत कोटि वैष्णव वृंद विशेषतः सड़ गोस्वामी पाद रसिका आचार्य वर्ज महामुखाध्यक्ष विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर सबके चरण कमल में दंडवत प्रणाम कर उनके अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। उपस्थित पूज्य पाद भक्ति वेदांत श्रीधर महाराज जी के चरण में दंडवत प्रणाम करूंगा चरण कमल दंडवत प्रणाम करूंगा उनकी कृपा प्रार्थना करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वृंद भक्त वृंद सबके चरण में अधम का यथाथ प्रणाम स्वीकार। बड़ी सुंदर रूप से हम लोग सुन रहे थे भागवत की कथा की अमृत। महाराज जी बड़ा सुंदर रूप से व्याख्या किए। हम लोग का बड़ा सौभाग्य सत्संग का साधु संघ का सुजग मिल रहा है। सचमुच कथा की अमृत ऐसा वस्तु है। दो अमृत की बात सुना जाता है, एक भागवत की कथा की अमृत और एक स्वर्ग में जो मिलता है अमृत। ये दो अमृत इसमें इतना डिफरेंस है, इतना प्रभेद है, भेद है कि स्वर्ग की अमृत भागवत कथा अमृत के सामने तुच्छ है अगर विचार किया जाए तो। कैसा स्वर्ग का अमृत ऐसा है, इतना तुच्छ भी नहीं है। जिनको पाने के लिए भगवान को चार चार अवतार लेना पड़ा, हरि अवतार लिए उनको लाने के लिए मंदर पर्वत को, और उन्होंने कच्छप अवतार लिए मंदर पर्वत नीचे जा रहा था उनको धारण करने के लिए, और धन्वंतरी अवतार लिए जिनको भगवान अमृत को लेकर के बाहर आए, और उन्होंने मोहिनी अवतार लिए देवताओं के सामने पहुंचाने के लिए, देवता लोगों को प्राप्त करने के लिए चार चार अवतार लेना पड़ा भगवान को, और वही अमृत भागवत कथा अमृत के सामने तुच्छ है। अमृत को निंदा करने वाला है भागवत कथा अमृत। क्यों? क्योंकि देखिए कुछ दृष्टिकोण से विचार कीजिए। भागवत कथा अमृत ऐसा है वो निरपेक्ष है, कथा किसी प्रकार पक्षपाती नहीं है। यहाँ पर कोई भी आ जाए, पुरुष आए, स्त्री आए, पंडित आए, मूर्ख आए, धनी आए, गरीब आए, कोई भी आ जाए भागवत किसको पक्षपात नहीं करेंगे। तुम मिलोगे तुमको मिलेगा, तुमको नहीं मिलेगा तुम बाहर चले जाओ, ऐसा हो नहीं सकता। भागवत कथा अमृत तो सबके लिए, लेकिन स्वर्ग का अमृत
केवल पुण्यात्मा के लिए जो लोग देवता बने इवन राक्षस लोगों के लिए एक कश्यप ऋषि के संतान दैत्य लोग के लिए नहीं मिला, केवल राक्षस देवता लोगों के लिए प्राप्त हुआ है। वो पक्षपाती है स्वर्ग की अमृत निरपेक्ष नहीं है, लेकिन भागवत कथा अमृत निरपेक्ष। और स्वर्ग का अमृत कैसा है? स्वर्ग का अमृत ऐसा है कि वो पुण्य को हरण करने वाला है। खीणे पुण्य मर्त्यलोके विसंति, आपको एक बार अगर स्वर्ग में जन्म मिल गया, चाहे आप अमर बन गए मतलब नहीं, जितना पुण्य कमाई किया ये अमृत एक बार पाने के बाद उसी दिन से आपका पुण्य क्षीण होते जाएगा, घटते जाएगा घटते जाएगा। लेकिन भागवत कथा अमृत कैसा है? तव कथा अमृतम तप्त जीवनम कवि भीरेणितम कर्म शापम। तव कथा तप्त जीवनम कवि विवीरिडितम कर्म शापहम। कैसा है? ये पाप को हरण करने वाला है। स्वर्ग का अमृत कहां पुण्य को हरण करने वाला है? आपकी पुण्य को हरण कर लेगा, कमाई हुआ वस्तु को हरण करेगा, लेकिन कथा अमृत ऐसा है जो कि आपसे क्या हरण करके लेगा? पाप को, कर्म को, दुख को हरण करने वाला है ये कथा अमृत। इसलिए भाई सोच लीजिए, कथा अमृत से, कथा अमृत पुण्य स्वर्ग का अमृत से कितना श्रेष्ठ है। और तीसरा है, भागवत की कथा अमृत आपके पास पहुंच रहे हैं और स्वर्ग का अमृत के लिए प्रयास करो तो भी मिलना बड़ा मुश्किल, जो कि इतना बड़ी खराब वस्तु है। मतलब भागवत कथा अमृत के सामने वो तो मिलता ही नहीं, और भागवत कथा अमृत ऐसा है जो कि आपके सामने उपलब्ध है। तो सज्जन, हम लोग बड़े सौभाग्यवान, इसलिए बड़े सुंदर रूप से ये भागवत कथा अमृत के पान मिल रहा है, पान करने के सुयोग मिल रहा है। तो लेकिन ये कथा अमृत क्या कैसा है? और स्वर्ग का अमृत अगर पी लिया ना, कितना पियोगे? तृप्ति तो आ जाएगा, थोड़ी सी पीने के बाद तृप्ति आ जाएगी। लेकिन भागवत कथा अमृत ऐसा है उसमें तृप्ति कभी नहीं आएगा। भागवत की कथा अमृत, इसलिए हमारे इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद कहते थे ये कथा भक्ति राज्य में अतृप्ति एक संपत्ति है। और वो अतृप्ति को संपत्ति जिनके पास आ गया, समझ लो भक्ति होना शुरू हो गया। अतृप्ति कैसा है? वयम तो न वितृप्याम उत्तम श्लोक विक्रमे सुणवतं श्रद्धदानं स्वादु स्वादु पदे पदे कदे अमृत। वयम तो न वितृप्याम, हम लोग अतृप्त है। क्यों? एक व्यक्ति अतृप्त मतलब अलम बुद्धि नहीं आता, बस हो गया और जरूरत नहीं है, ये बुद्धि नहीं आएगा कथा अमृत को अगर श्रवण करे। कैसा?
हाँ ध्यान देके सुनिए, कथामृत कैसा प्रयोजन बुद्धि प्रयोजन और नहीं है, अलम बुद्धि कहाँ आता है? कोई अगर पेट भर गया तब तो अलम बुद्धि आ जाएगा, बस हो गया और जरूरत नहीं। और दूसरा कहा, जबकि जिनका टेस्ट अगर खत्म हो गया, वो खाते खत्म हो गया तो भी अरे चलो हो गया तो खत्म हो गया, तो रस नहीं है उसमें, टेस्ट खत्म हो गया तब यह आ जाएगा। जैसा गन्ना कोई चूस रहा है, वहां से रस खत्म हो गया तब तो अलम बुद्धि हो गया, ठीक है चलो खत्म हो गया। लेकिन अगर भागवत कथा अमृत ऐसा है, उनको जिसना जितना चूसना है चूसो, उसमें कोई कभी भी रस खत्म होने वाला नहीं है, क्योंकि रसम आलय। और उसको पीने के लिए वो पीवत बताया गया, कान के द्वारा प्रविष्ट क्रम करना रंध्रेण, ये कान के द्वारा पिया जाएगा, उधर तो सीमित है, कर्ण है आकाश तत्व, शब्द जिनमें प्रवेश करता है, शब्द गुण है आकाश का, आकाश का गुण है शब्द, वायु का गुण है स्पर्श, अग्नि का गुण है रूप, जल का गुण है रस, ऐसा शब्द जिनका गुण है यानी कर्ण आकाश तत्व है, आकाश असीम होने के कारण आदि नहीं कि अंत नहीं, तो इसी कथा अमृत पान जितना भी करो ये आकाश समान कर्ण कभी भरेगा ही नहीं, इसलिए कभी तृप्ति आने वाला नहीं। आप चिंता मत कीजिए, भागवत एक बार सुन ले तो तृप्ति आ जाएगा, कभी नहीं आएगा अगर आपके अंदर सुनने के लिए श्रद्धा जागृत हो गया हो। इसलिए काल हम लोग सुन रहे थे, बड़ा सुंदर बात है, कुंती महारानी स्तुति कर रहे थे भगवान को कि हे प्रभु, जथा ऋषिकेश खड़े न देव के कंसे नरुद्धाति चिरम सुचर्पिता विमोचिता हंच सहात्मजा विभो त्वैव नाथेन मोहोर विपदगणात त्वैव नाथेन मोहोर विपदगणात। कुंती महारानी भगवान के द्वारा किया गया उपकार को स्मरण करते हैं, पहले तो प्रणाम किए बहुत बार, बहुत चार पांच श्लोक में प्रणाम करने के बाद भगवान बोले, बुआ जी आप मुझे क्यों प्रणाम करते हैं, ननु माम कनिष्ठम क्यों प्रणाम करो सी, मैं तो आपसे छोटा हूँ आप मुझे क्यों प्रणाम कर रहे हो। कुंती महारानी बोले, प्रभु आप स्वयं अनादि है और सबका आदि है, अब तो पहले से आप छोटे नहीं है, मैं जानता हूं आप कितने बड़े हो। प्रभु आपके द्वारा किया हुआ अपकार उपकार को स्मरण करते बोलते, प्रभु आप जानते हैं इतना बड़ा, लेकिन मैं अगर अपना तरफ से ना बोलूं तो मुझे संतोष नहीं आता। तो एक तुलना करके कहते हैं, कुंती महारानी कहते हैं कि हे प्रभु, एक माँ है आपका माँ है देव की, एक स्त्री होने के कारण स्त्री के साथ तुलना करती है, कहते प्रभु एक स्त्री है जो कि देव की आपकी माँ है, और मैं आपकी बुआ जी पियूसी माँ यानी पिताजी के आपके पिताजी के बहन, दोनों में अंतर है, घनिष्ठता आप में अंतर है, आपकी संबंध की दूरता मुझ में ज्यादा है और देवकी में कम है, क्योंकि डायरेक्ट आपके वो माँ है और मैं आपकी भाई के बहन हूँ, बहन होने के कारण थोड़ा दूरता होने पर भी, लेकिन आपकी कृपा हमारे ऊपर जितना हुआ आपकी सीधे सीधे माँ के ऊपर इतना नहीं हुआ, इनका इसका मतलब कि आप मेरे ऊपर बहुत ज्यादा कृपा की जो कि देवकी के ऊपर नहीं किया। कैसा ना, दोनों हमारे औरत ऐसे थे, दोनों स्त्री ऐसे थे कि हमारे ऊपर विपत्ति आई, देवकी के ऊपर विपत्ति आई, लेकिन देवकी को आप उधर और दोनों को विपत्ति अपना आदमी ही दिए, देवकी को अपना भाई ने विपत्ति दिया कंस ने, बेचारा था दुख दोष कुछ भी नहीं था, केवल इतना ही दोष था कि भगवान उनका गर्भ में क्यों आएंगे। कंस ने जिन कंस ने भूरी सभा में भाई बन करके अपना बहन को भूरी सभा में ले रहा था छोड़ने के लिए, एक हाथ में घोड़े की चाबुक पकड़ा था, दूसरी हाथ में घोड़े की लगाम, वही दुष्ट। इसलिए कहते दुष्ट व्यक्ति अगर आपकी प्रणाम किया उपकार करना झुकना शुरू करता है,
समझ लेना चाहिए कि विपत्ति की घंटी बजी। बिल्ली बैठ करके तपस्या, मतलब एक नजर में देख रहा मतलब नहीं कि तपस्या कर रहा है, ए पूरा ध्यान कर रहा है। क्या करता है? चूहा का जान लेने के लिए बैठी है। बगुला एक पैर में खड़ी है, इसका मतलब नहीं कि तपस्या कर रहा है। क्या कर रहा है? मछली का जान लेने के लिए बैठा है। और धनु दो माथा को नीचे कर रहा है, मतलब नहीं कि मैं प्रणाम करता है, झुकता है सामने वाला व्यक्ति को जान लेने के लिए तैयार हो रहा है। इसलिए दुष्ट व्यक्ति जो झुकता है, समझ लेना चाहिए कि विपत्ति का घंटी बजी है। सचमुच ऐसा है, व्याघ्र से उपवास न पारणम पशुमारणम। अगर दुष्ट व्यक्ति को, शेर को कैसा कैसा प्रीचिंग करके अगर तो भी एकादशी करा दो, तो द्वादशी में जब पारण करेगा तो खरगोश मार करके करेगा। निरामिश्वर नहीं कर सकता एकादशी, एकादशी कर लेगा लेकिन पारण तो जरूर कुछ ना कुछ करेगा ही करेगा। इसलिए दुष्ट व्यक्ति कंस जब सुन लिया विपत्ति मारेगा उनका, तो उनको जेल में डाल दिया है प्रभु, उनको विपत्ति दिया अपना व्यक्ति ने, और मुझे भी कुंती महारानी का विपत्ति दिए थे। कौन विपत्ति दिया? उनके देवर ने, दुर्योधन ने विपत्ति दिया प्रभु। लेकिन उनको विपत्ति दिए मिला, हमको विपत्ति भी मिला, लेकिन आप उनको विपत्ति से उद्धार किए, मुझे भी विपत्ति से उद्धार किए। लेकिन थोड़ा सा अंतर है, उनको विपत्ति से उद्धार करने में ज्यादा टाइम ले लिए, तिचिरम सुचर पिता, बिचारी काफी दिन तक जेल में रहना पड़ा। आपने बाल्य लीला की, कौमार लीला की, किशोर लीला में जा करके आप जब मथुरा आए तब उनको विपत्ति से उद्धार किया। लेकिन प्रभु मुझे बार बार विपत्ति आई, कितने बार विपत्ति आई, आप सारी विपत्ति आने मात्र से ही तुरंत आप मुझसे उद्धार कर दिए, ये कुंती महारानी बता रहे हैं। और दूसरा कारण क्या है? उनको तो एक बार विपत्ति से उद्धार किया, केवल एक ही बार जेल से निकाल दिए, लेकिन मुझे एक बार विपत्ति नहीं आया। मोहोर विपत्ति गणात, कितने कितने विपत्ति आया। दुर्वासा ऋषि कब जंगल में आ गए, भीमसेन को विष लड्डू प्रदान किया गया, द्रौपदी का असत सभा में वस्त्र हरण हुआ, हजार विपत्ति आया, आप उद्धार किए लेकिन विलंब नहीं किए, एक साथ विपत्ति आने मात्र से उद्धार किए, लेकिन आपकी माँ को विपत्ति आने के साथ साथ आप उद्धार नहीं किए, काफी दिन के बाद आप उद्धार किए। और प्रभु उनको तो आपने पुत्र बन करके आए, पुत्र शोक दूर किया, लेकिन पुत्र दुख दूर किया, लेकिन पुत्र के द्वारा जो शोक प्राप्त होना उनको तो आपने दे दिया, उनसे आप उद्धार कर नहीं पाए। कहां जो बंदीशाला होती है, जिसमें जेल खाना में जहां पर कोई मरने का चांस नहीं, वहां पर जन्म ले उनके संतान, जन्म दिया, पुत्र तो प्राप्त किया, लेकिन शोक बढ़ गया, बार बार छह पुत्र मरने तक उनके आंख के सामने अपना भाई पीट करके मार डाले, इतना शोक उन्होंने संतप्त, उन्होंने दुख भोग किया, लेकिन हे प्रभु मेरे पुत्र महाभारत जैसा युद्ध में हर तरह से मर सकते, ऐसा परिस्थिति में भी आपने मेरा बेटा को ले गए, और पांच पांच पुत्र से एक ही बेटा को आप मारे नहीं, सहात्मजा भी हो, पांच पांच बेटा को मुझे वापस दे दिए लेकिन आपने मारा नहीं। जथा ऋषिकेश खड़े न देव की, हे प्रभु इसलिए आप मुझ पर बड़ी कृपा की, देवकी से ज्यादा मुझे ही कृपा की है। इसका मतलब भक्त के अंदर तो दीनता होना चाहिए। कुंती महारानी क्या अभिमान से कर रहे हैं, क्या अहंकार कर रहे हैं? भगवान जब मैं बोलते हैं तो उनको अहंकार किया नहीं जाएगा, उसी अहंकार में पुण्य होता है। भगवान कहते सर्व धर्मान परित्यज माम एकम शरणम ब्रज, सब कुछ छोड़ करके मेरा शरण में आ जाओ, ममे मांसो जीव लोके, मेरे ही अंश है जीव लोग, सब कुछ मैं कहते भगवत गीता में हजार बार, मैं भगवान हूँ, मेरा शरण में आ जाओ, मुझे ही चिंता करो, मुझे नमन करो, मनमाना भवो मद भक्तो मज्जाजी मांग नमस्कुरु, वो अहंकार नहीं बनता। लेकिन जीव जब कहता है मैं ऐसा कर दिया,
मैंने ऐसा कर दिया, तब तो अहंकार बन जाता, उनका पतन बन जाता। तो इसलिए भक्त लोग का भावना ऐसा होती है कि मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, क्षत्रिय नहीं हूँ, वैश्य नहीं हूँ, शूद्र नहीं हूँ, मैं तो गोपी भक्त पद कमलयो दास दासानुदास, हे प्रभु मैं आपके दास के अनुदास हूँ। लेकिन यहाँ पर कुंती महाराज जो कह रहे कि आप देवकी से श्री मुझे ज्यादा कृपा किया, इसका कारण क्या? देव कुंती महारानी ने अहंकार करे? बोले नहीं। क्या करें? अरे इसलिए कहते कुंती महारानी कहती कि हे प्रभु एक ही कारण है, वास्तव में मैं आपकी ज्यादा भक्त भक्ति नहीं किया, मैं अनभिज्ञ भक्ति में, और मैं ज्यादा भाग्यवती नहीं हूँ, और देवकी मुझसे ज्यादा भाग्यवती है, देवकी मुझसे ज्यादा भक्तिमती है, लेकिन उनको भी उनसे ज्यादा प्रेम प्रीति मुझे इसलिए किया आपने, ज्यादा कृपा इसलिए किया क्योंकि त्वेव नाथेन मोहोर विपद गणनाथ, उनके पास उनका नाथ पति वसुदेव उनके पास थे, लेकिन मेरे पास तो मेरे पति पंडु महाराज नहीं थे, मैं विधवा स्त्री, केवल आप ही एकमात्र मेरे नाथ थे, इसलिए आप मुझे कृपा करने में देर नहीं की। भगवान की इसी प्रकार उपकार को गिनती करते कहते प्रभु आपने विशाल महाग्ने पुरुषा दर्शनात, बड़े सुंदर सुंदर कथा सुनाते, भीमसेन को आपने 20 लड्डू खिलाया, अगर आपने कृपा नहीं करते तो हम उद्धार होना मुश्किल हो जाता। भीमसेन तो को प्लानिंग के मारने के लिए बोले चलो वनभोज करने के लिए जाते हैं, ले गए 20 लड्डू खिलाए, भोजन में 20 दे दिया, वो जो मर गए जल में गंगा में फेंक दिए और जमुना में फेंक दिए, उन्होंने डूबने लगा, भीमसेन डूबते हुए चले गए, कौरव लोग तो आंख में आंसू लगाते हुए थूक लगाते हुए रोने लगे कि अरे हाय रे विधाता मर गए, पांडव लोग तो घबरा गए, हे भगवान क्या हो गया, इतनी बड़ी विपत्ति आया, क्योंकि दुर्योधन बोला अगर इसी एक को मार देते है शकुनी मामा, बाकी सबको मारना हमारे लिए कोई बस की बात नहीं, हमारे लिए कोई असुविधा नहीं। तो भीमसेन जब नीचे जाने लगा तो नरक पाताल लोक में नागराज नागों के साथ सम्मिलित हो गए, भगवान की कृपा से सारी नाग लोग उनको काटने लगे, विषम विषम औषधम, विष का विषय औषध है, तो भीमसेन जिंदा हो गए, जय ही जिंदा हो गए, ये नाग सांप लोग और ज्यादा काटने लगे तो जिंदा हो गए, पूरा विष हरण हो गया, एक सांप को पकड़ करके एक सांप को ठाए ठाए मारने लगे, सारी नाग भागने लगे राजा के पास, वासुदेव नाग के पास जाकर के बोले प्रभु मणिमा ये कौन सा एक प्राणी आया है मनुष्य जैसा दिखाई देता है, हम कहां जिंदा को काटते तो मर जाता है, उल्टा तो मरा हुआ था हम काट दिए तो जिंदा हो गया, जिंदा तो हो गया होगा, हमको इतना पिटा के भाग करके आपके पास आए, कुछ व्यवस्था बताए। तो बड़े बड़े नागरों को उन्होंने भेजा वासुकी ने, उनको उठा करके लाओ, जो उनको उठा करके लाए तब पूछा वासुकी ने तुम कौन हो, उन्होंने बोले सुरसेन मेरा दादाजी है, उनका मैं दादा बोलते हैं ना, माँ की पिताजी को क्या बोलते हैं, नाना, ओ नाना है मेरा, सुरसेन मेरा नाना है, उनके मैं नाती हूँ। भीमसेन सौभाग्यवशतः वहां पर सुरसेन की जो नाना है वहां पर मंत्री थे वासुकी राजा के वहां पर दरबार में, तो उन्होंने बताया बाबा रे बाबू इतना प्रीति, क्योंकि प्रीति ऐसा वस्तु है नीचे तक ज्यादा जाता है ऊपर तक कम जाता है, संसारी लोगों का देखना बेटा के प्रति जितना प्रीति होता है नाती के प्रति इतना होता है कि बढ़ता है, ज्यादा होता है ना, और उसका नाती का अगर फिर बेटा मिल गया और बढ़ता है, और पिता के प्रति जितना है बेटा के प्रति इतना होता है, पिता के प्रति कम होता है, बेटा से पिता के प्रति कम होता है, और नाती के प्रति जितना है पिताजी के प्रति कम होता है, उनके पिताजी प्रति और कम, उनका पिता के प्रति और कम, पूरा पिताजी के पिताजी जे भगवान के पे परम पिता के प्रति तो पूरा ही कम हमारे, लेकिन नाते के प्रति बड़ा प्रेम होता है, उसके नाते के प्रति बड़ा प्रेम होता है, और नाना जी के नाती के नाती
बाबा रे बाप, वो तो बड़े खुश हो गए। बोले वासुकी उनको दंड क्या देना है, उनको पुरस्कार देना है, इतना दिन के बाद आए। वासुकी बोले ठीक है, उनको ले सत्कार करो, हमारे यहाँ पर अमृत है उनको पिलाओ। उन्होंने पूरा स्नान किए, भीमसेन को बहुत स्नान कराए और नाग लोक में जो अमृत था उनको दिए पीने के लिए। भीमसेन तो एक घड़ा पी लिया आराम से और बोले और पी सकते? भीमसेन बोले तो मैं और ज्यादा पी सकता हूँ, कोई चिंता नहीं हमारे लिए। तो चार घड़ा पी लिए पूरा, बहुत बड़ा बड़ा घड़ा था। एक घड़ा पीने के बाद 2000 हाथी का बल आया। तो चार घड़ा जब पी लिए 8000 हाथी का बल आ गया। वो 2000 हाथी का बल तो पहले से भीमसेन के पास था। वासुकी बोले, वासुकी नाग बोले अभी लेकर हस्तिनापुर में छोड़ दो उनको। लेकर के छोड़ दिए। दुर्योधन बोला ये तो बाबा रे बाबू, जितना बलशाली था और ज्यादा बलशाली हो गया, कहां से निकल के आ गया। तो कुंती महारानी कहते हे प्रभु, आपके कृपा के द्वारा ही ऐसा ही संभव हुआ, नहीं तो कभी संभव नहीं। इतने बहुत हजार विपद का गिनती किया। उसके बाद भगवान बोले ठीक है, कुछ तो मांगो मुझसे। तो कुंती महारानी एक बात मांग रहे, क्या मांग रहे? हाँ, आप लोग मांग सकते हैं। तत्र तत्र जगद्गुरु भवतो दर्शनं जत स्यात् अपनां भवदर्शनं। हे प्रभु, वास्तव में कुंती महारानी विपत्ति ने नहीं मांगा, विपत्ति नहीं मांगा, वो कहते अपनर भव दर्शनम, आपका दर्शन दीजिए। क्योंकि आपका दर्शन कैसा है, आपका दर्शन अगर एक बार मिल जाए तो उनको भव संसार दर्शन नहीं होता। लेकिन विपत्ति क्यों मांगा ना, विपत्ति जितना बार आता है आपका दर्शन तो उतना बार होता है। आप हमारे पर विपत्ति जब आ रहा था तब आप आपके द्वारिका छोड़कर के यहाँ पहुंच गए, लेकिन अभी जब युधिष्ठिर राजा बन गए, द्रौपदी राज रानी बन गई और मैं राजमाता बन गया, सारी शत्रु निहत हो गए, आप अभी हमको छोड़ करके जा रहे प्रभु, ऐसा संपत्ति हमको नहीं चाहिए जिसमें आप छोड़ के चला जाए, लेकिन ऐसा विपत्ति को मुझे तो बार बार चाहिए जिसमें आप हमारे पास होना चाहिए। कि विपद नैव विपदम संपदम नैव संपदम विपद विस्मरण विष्णु संपद नारायण स्मृति। विपत्ति को विपत्ति नहीं कहते, संपत्ति को संपत्ति नहीं कहते। वास्तव विपत्ति तो वही है जिसमें भगवान दूर चला जाए, और वास्तव संपत्ति तो वही है भगवान जिसमें पास आ जाए। ऐसा विपत्ति को लेकर क्या करे जिसमें भगवान दूर चला जाए, ऐसा संपत्ति को लेकर क्या करे जिसमें भगवान दूर चला जाए, और ऐसा विपत्ति तो बार बार चाहिए जिसमें भगवान हमारे पास हो। सुख के माथे स्लीपर जो हरि हृदय से जाए, बलिहारी सो दुख के पल पल ना पाए। इसी सुख को पत्थर पर मार देना चाहिए जिसमें भगवान दूर चला जाएंगे, लेकिन ऐसा दुख तो बार बार वर्ण कर लेना चाहिए जिसमें भगवान की स्मरण हो जाए। हनुमंत जी को भगवान ने पूछा, राम ने, कि कह हनुमंत विपति प्रभु सोए, कह हनुमंत विपति प्रभु सोए, कह हनुमंत विपति प्रभु सोए, कह हनुमंत विपति प्रभु सोए। ओ जागत बसो मेरा न जब तब सो मेरन भजन न होए। हनुमंत जी लंका में आप गए, कितना विपत्ति आया,
कितने राख्या से आप खाने के लिए आ गए, कितने राख्या से आप मारने के लिए आपको आ गए, मैंने सुना बड़ी विपत्ति आई। हनुमंत जी ने बताया, प्रभु हमको तो विपत्ति नहीं मिला, लंका में बरम संपत्ति मिला, क्योंकि वहां पर तो बाहर को देखने के लिए विपत्ति जैसा आ रहा था, लेकिन ऐसा है आपकी स्मरण रूपी संपत्ति बार बार हो रहा था। जहाँ वहाँ विपत्ति है जहाँ आपका भजन नहीं है, बर वहाँ संपत्ति है जहाँ आपका भजन है। तो भजन क्या है? कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिना रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी श्याम के दास। इसलिए है प्रभु, नमो अकिंचन मिताय निवृत गुण वृत्तये आत्मा रामाय संताय कैवल्यपतये नमः। हे प्रभु, नमो अकिंचन वित्ताय, मैं आपको इसलिए प्रणाम करता हूँ क्योंकि आप अकिंचन के वित्त है, यानी अकिंचन भक्त। अकिंचन भक्त कौन होता है? कंगाल जो फकीर बैठे रहते, भीख मांगते, दरिद्र कंगाल, उन लोग का कोई लोग अकिंचन होते हैं? नहीं, ऐसा बात नहीं है। भगवान जिनका सब कुछ है, भगवान को छोड़ करके बाकी सारी सामान को कुछ भी नहीं समझते, ये जो भक्त है, ये भक्त रूपी अकिंचन है। प्रभु आप अकिंचन भक्त का आप ही संपत्ति है, यानी अकिंचन भक्त आपको ही संपत्ति मानते हैं। धन के साथ क्यों तुलना किए? धन तो कलयुग में नहीं, सब समय सबका प्रिय है। पैसा मोरो इष्ट देव, पत्नी मोरो गुरु, छोला छोकरी सालग्राम, भजन कैसे कर। काली जी में तो ऐसा है, इष्ट कौन है? दिन भर रात भर किसके बारे में सोचे? पूरा पूरा पैसे के बारे में। रात हो गया, इतना पैसा आया नहीं, मिला नहीं उनसे, काल उन्होंने इतना चीटिंग कर दिया, तुम कहां क्या कर रहे थे, उन्होंने इतना ठग दिया, पैसा के बारे में तो चिंता। इष्ट पूरा कौन है? पैसा तो है ना। और गुरु आजकल कौन है? महाराज बता रहे थे गुरु ग्रहण करना चाहिए, मंत्र लेना चाहिए। भाई रोज तो पत्नी से कान में ठूस ठूस करके बाहर मंत्र। और पत्नी ऐसा, कल एक बार बीरबल ने आकबर ने पूछा बीरबल को, ऐ हमारे देश में सारी लोग क्या स्त्री के पास है? हाँ महाराज जी, मैं बता रहा हूँ, सब लोग मंत्र सुन करके मुग्ध है, पूरा वशीभूत है, मैन स्विच पूरा उनके हाथ में। अरे मैं विश्वास नहीं करता। विश्वास नहीं करते, चलो मीटिंग बुलाओ। जब आकबर जी ने मीटिंग बुलाया, आकबर जी ने बताया कि देखो हमारे देश में जो जो लोग पत्नी के वशीभूत है ये लोग सब इस साइड आ जाए, और जो लोग पत्नी के वशीभूत नहीं लोग इस साइड में रहे। सब लोग महाराज सब लोग चले गए, बाकी एक लोग बैठा है। तब तो अकबर बीरबल को देखा, कम से कम तो एक लोग तो अटलिस्ट बचा है ना हमारे देश में जो कि पत्नी के वशीभूत नहीं है। बीरबल बताए, अच्छा ठीक है, पूछते हैं, भाई बता तुम उस तरह क्यों नहीं गया? वो आदमी ने बताया, देखो हमारे पत्नी ने मना किया, जहाँ भीड़ होगा वहां नहीं जाना। तब तो पत्नी मेरा गुरु, छोला छोकरी सालग्राम। और आजकल तो सालग्राम की सेवा बाद में हो जाए, बच्चा को तो 4:30 बजे स्कूल भेजना है, उठा करके उनको नहा धुला करके कपड़ा वोटा पहना करके उनको भेजना है, तो चलो। लेकिन गुरु धन संपत्ति बड़े प्रिय है, धन संपत्ति बड़े प्रिय है, अकिंचन वित्त। हे प्रभु आपका आप प्रिय है अकिंचन भक्त का। लेकिन दूसरा अर्थ क्या है? इतना बोलकर हम समाप्त करते हैं, टाइम तो हो गया, जाएंगे सब लोग। भगवान को कहते प्रभु अकिंचन भक्त आपका ही संपत्ति है। अकिंचन भक्त आपका संपत्ति है, तो चक्रवर्ती कहते हैं अकिंचन भक्त आपका संपत्ति बोलने पर भी थोड़ा कम हो जाती है तुलना। क्यों? धन तो व्यक्ति का इतना प्रिय है, लेकिन कभी अगर विपत्ति आया, बीमारी पड़ गया, कुछ भी हो गया, आदमी धन प्रिय होने पर भी धन को लगा देता है, धन को यूज करता है,
धन को विनियोग करता है, लेकिन हे प्रभु भक्त आपका इतना प्रिय है, आपके ऊपर अगर कभी कुछ विपत्ति आया आप भक्तों की प्लेज नहीं करते। भक्त आपका इतना प्रिय है, आप भक्तों को इतना प्यार मानते हो, इतना प्यार करते हो, अगर धन को आदमी प्रिय मानते हैं, धन को याद करते हैं, प्रेम करते हैं, लेकिन शरीर में कुछ विपत्ति आ जाए, परिवार में कुछ विपत्ति आ जाए, पहले तो उन्होंने धन को यूटिलाइज कर लेता है, लेकिन प्रभु आपका भक्त इतना आपको प्रिय है, आपको अगर कभी कुछ भी विपत्ति आया आप धन को अपना भक्त को यूटिलाइज नहीं करते। इसलिए है प्रभु आप इतना दीजिए मुझे। भगवान बोले ठीक है कुछ वर मांगो। कुंती महारानी अंतिम में वर मांग रहे, क्या वर मांग रहे है? ये तो सचमुच ये चार पांच दिन अगर कुंती स्थिति बोला जाए तब तो कम पड़ेगा, दो दो घंटे, लेकिन इसमें थोड़ा मैं एक दो श्लोक जो अच्छे अच्छे उसको बता देता हूँ। उसमें कुंती महारानी मांग रहे की है प्रभु आप एक ही वर दीजिए कि स्नेह पास मिमम छिंदे वृष्णे सो पांडवे सुच। हे प्रभु आप मेरा जो स्नेह की पास है, संबंध है, बंधन है पांडवों के साथ, जादवों के साथ, उसको आप काट दीजिए। भगवान तो चाहूंगे देवी मैं तो जादव हूं, मेरा साथ भी संबंध काटना चाहते हो? कुंती महारानी बोले प्रभु आपसे पहले मैं भी जादव हूं, आपसे पहले हमारे जादवों को जन्म लिया, आपके बाद मैं नहीं बोल रहा हूँ। तो किसके बाद बोल रहे हो? ना प्रभु आपके जो जादव कुल पांडव कुल के साथ मेरा जो संबंध है, क्योंकि मैं शरीर सर्वस्व हूं, मेरा सारी संबंध शरीर को लेकर के बन गया, ये मेरा भाई है, ये मेरा बेटा है, ये मेरा लाला है, ये मेरा पिताजी है, सब संबंध पांडव कुल के साथ जादव कुल के साथ बन गया, और मैं दुहिता हूँ दोनों कुल के हित साधन करने वाला। महाराज बता रहे थे ना आजकल कन्या भ्रूण हत्या हो रही है, लेकिन ये सचमुच बड़ा अपराध है, क्योंकि कन्या होती है दोनों कुल के हित साधन करने वाला होती है, जो कि पितृकुल के और ससुर कुल के। मैं दुहिता हूँ, मेरे लिए अभी आप जब जा रहे हो हस्तिनापुर छोड़कर के द्वारिका के ओर, तब पांडव लोग का अहित हो रहा है, क्योंकि आप जा रहे हैं और द्वारिका जादवों का हित साधन हो रहा है। अगर आप रह जाते हो तो पांडव कुल का हित हो रहा है, जादव कुल का हित हो रहा है। मैं क्या बोलू, क्योंकि पांडव कुल मेरा ससुराल है और जादव कुल मेरा मित्राल है, तो आपको मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, आप चले जाइए। अगर मैं भले जाऊंगी चले जाओ तो पांडव कुल का हित हो गया, मेरा दुहिता जीवन सार्थक नहीं होगा, और जादव कुल का हित हो जाएगा। और अगर बोल दूंगी आप रुक जाओ तो पांडव कुल का हित हो जाएगा, जादव कुल का अहित हो जाएगा, मैं द्वंद्व स्थिति में हूँ, इसलिए प्रभु आप काट दीजिए मेरा जो संबंध है उसको काट दीजिए। भगवान बोले क्या निर्गुण ब्रह्मज्ञानी बनोगे? किसके साथ संबंध नहीं हमारे साथ, किसके साथ संबंध है? केवल ब्रह्म के साथ कनेक्शन है, कोई कुछ नहीं दुनिया में, सब मिथ्या है, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ब्रह्म जीवे नापरम, ये करना चाहते हो? बोले ना प्रभु। एक बार बल्भाचार्य पास किसने आया, बोला कि देखो हमारे माँ मर गई, मेरा आंख से आंसू नहीं आया, पिताजी चले गए, मेरा हृदय से धड़कन नहीं आया, भाई मर गया, मैं ऐसे ही रह गया, वैरागी बन गया, मुझे स्वीकार कर दीजिए। बल्लभाचार्य बोले भोगक बुद्धू कहाँ का निर्दय कहाँ का, हटो यहाँ से, तुम हमारे भक्त बनोगे? हमारे कन्यालाल को कब भूख लगेगा तुमको पता नहीं चलेगा, हमारे कन्या को कब मयूर पंख पहनाना तुमको पता नहीं चलेगा, तुम तो निर्दयी व्यक्ति हो, भक्त कहाँ से बनोगे? इसलिए सज्जन भक्ति मतलब कुछ बड़ी चीज नहीं है, अभी जो हमारा संसार में है वही चीज को ही मोड़ करके भगवान में लगा। विषय जे प्रीति वे अच्छय अमार, सही मतलब प्रीति होकर चरण है तुम्हार। हे प्रभु आपके संसार में मेरा जो प्रीति है वो बदल करके आपके चरण में आ जाना चाहिए। हमारे गुरुदेव परम गुरुदेव हमारे भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज को बोले थे कि हे गुरुदेव मेरा माँ के प्रति मेरा जो ममता था, पिता माता के प्रति मेरा जो ममता, और मेरा पत्नी के प्रति जो प्रेम, मेरा बेटा बेटी के प्रति मेरा जो स्नेह था, सब कुछ निकाल करके मैं आपके चरण में बांध करके मैं आपकी कृतदास बन रहा हूं, आप मुझे जैसा कपड़ा पहनाना पहना दीजिए, ये होता है भक्ति।
ये पहले गुर्दे के पास होगा, उसके बाद भगवान के पास होगी। तो भगवान को बता रहे कुंती महारानी, प्रभु मेरा संबंध काट दीजिए, ब्रह्मज्ञानी बनना नहीं चाहता। तो फिर क्या काटना, मतलब क्या बोलते ना, प्रभु मैं शरीर सर्वस्व होने के कारण मेरा संबंध शरीर को लेकर के बन गया, ये शरीर के साथ पांडव का संबंध है, ये शरीर के साथ जादव का संबंध है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि ये संबंध को आपके साथ जोड़ दीजिए, मेरा साथ। हाँ जी, वसुदेव के साथ प्रेम, मेरा संबंध ऐसा ना रहे कि वसुदेव मेरा भाई है, ध्यान देके सुनिए, वसुदेव साथ मेरा संबंध हो जाना चाहिए, वसुदेव आपकी पिताजी है, देवकी के साथ ऐसा संबंध काट दीजिए जो कि मैं ना सोचूं कि देवकी मेरा भाभी है, लेकिन वसुदेव साथ ऐसा संबंध जोड़ दीजिए, वसुदेव आपकी माताजी है। पांडव के साथ ऐसा संबंध नहीं रहना चाहिए कि युधिष्ठिर मेरा बेटा है, पर ऐसा संबंध हो जाए युधिष्ठिर आपकी भक्त है। अर्जुन के साथ ऐसा संबंध मैं नहीं चाहता हूँ, वो मेरा मध्यम पुत्र है, पर ऐसा संबंध हो जाना चाहिए अर्जुन आपकी सखा है। यानी जगत में मेरा जो जादव कुल के साथ पांडव कुल के साथ मेरा डायरेक्ट संबंध हो गया, मैं वसुदेव, मैं देवकी, मैं युधिष्ठिर, मैं अर्जुन नहीं, उसको तोड़ दीजिए प्रभु, मैं आप युधिष्ठिर, मैं आप कुंती, अर्जुन जी, मैं मुझे लेकर के, यानी संसार का सारी संबंध मेरा आपको अवलंबन करके आपका आधार पर हो जाना चाहिए, तो भक्ति सिद्ध हो जाएगा। इसलिए बोलते हैं भगवान तत् भक्ति, दूसरा कुछ नहीं है, अभी हमारे दुकान, हमारे मकान, हमारे घर, हमारे परिवार, सब कुछ हमारे साथ डायरेक्ट संबंध है, उसको तोड़ दीजिए। अभी भक्ति करना मतलब जोड़ देना है, बीच में भगवान को ले आना है, सेंटर पॉइंट, इसलिए सेल्फिशनेस नहीं बार बनना है, खुद अपने लिए सब कुछ नहीं करना है, जो कुछ करना है किसके लिए करना है, भगवान के लिए, तब तो हो जाएगा। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, ठीक है। तो कुंती महारानी बोल रहे, प्रभु आपके साथ जो संबंध है, हमारा जो संबंध है संसार के साथ, वो भगवान को आपको लेकर बन जाना चाहिए। भगवान कुंती महारानी की स्तुति इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा, उद्धव जी बैठ गए थे छतरी लेकर के, अर्जुन एक साइड में खड़े हो गए थे, चतुरांगणी सेना सामने जा रहे थे, सब कुछ वापस ला करके कुंती महारानी स्तुति में संतुष्ट होकर भगवान फिर हस्तनमरा गए। गौर कुंती महारानी की, भगवान कृष्ण कन्हैया लाल की, हिताई गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राम। एक माला करके जाएंगे, ठीक है ना, एक एक माला जप करके जाएंगे। देखो हम लोग श्रवण कर रहे थे स्वर्णगाद ऋषियों का, जो दूसरी प्रश्न है, कलयुग में भगवान को पाने का सबसे सरल उपाय क्या है, जिसका उत्तर हमें श्री सुतो गोस्वामी ने बताए, जितने ऋषि, जितने मुनि, जितने वेद, जितने पुराण, सब के सब एक ही बात बताए, कलयुग में भगवान को पाने का सबसे सरल उपाय है भगवान का नाम, ठाकुर जी की नाम। एक बार हाथ उठा कर बोलो, बोलो तो बोलने, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे करके प्रसाद लेकर जाना, ठीक है। बोले एक समय कैवर्त देश में एक राजा था जिसका नाम था सुकांत, वो सत्संग में जा रहा था। बोले कहां, बोले सुमेरु पर्वत गुफा में सत्संग में जा रहा था, इतने में बीच में नारद जी मिल गए। हम बोलते ना, तू क्या नारद जी का काम करते हो, मतलब क्या, मतलब क्या लड़ाई लगाते हो, झगड़ा कराते हो, इतने में श्री नारद जी मिल गए। बोले इधर आओ। बोले कहां जा रहे हो। बोले सुमेरु पर्वत गुफा में संतों का समागम है, वहां सत्संग करने के लिए जा रहा हूँ। बोले देख बेटा,
सबसे पहले संतों का चरण छूना। बोले आप तो यही सिखाया, पहले जाकर क्या करो, संतों का चरण को स्पर्श करो। बोले फिर जब जा रहे फिर गुलाबली धरा, बोले क्या बात है, बोले देखो सब संतों का तो चरण छूना, लेकिन देखना वहां पर विश्वामित्र भी है। बोले हाँ वो भी होएंगे। बोले उनका चरण नहीं छूना। बोले क्यों, जब सबका चरण स्पर्श करेंगे उनकी भी तो चरण स्पर्श करेंगे। बोले बोल दिया ना, वो भी पहले क्षत्रिय ही थे तुम्हारे जैसे, बाद में फिर वो ब्रह्मर्षि बने, केवल उनका चरण नहीं छूना। अब श्री सुकांत जी वहां पहुंचे, देखा सारे संत लोग एक लाइन में बैठे हुए, उनने सबका चरण को उन्होंने छुए, लेकिन केवल विश्वामित्र का ही चरण नहीं छुए। देखो जब सारे संत बैठे हुए लाइन से, अगर सबको चरण छो एक का चरण मत छो, बताओ क्या होगा, क्या होगा बताओ, अपमान होगा ना। विश्वामित्र वैसे ही तो बड़े क्रोधित है, लेकिन जब देखा संत समागम में सबका चरण छुआ, केवल बीच में मेरे नहीं चरण छुआ, सत्संग समाप्त होते ही उनको इतना क्रोध आया, तमतमाते हुए सीधा अयोध्या में पहुंचे। उसी समय में प्रभु राम विश्राम कर रहे थे, लक्ष्मण जी चौकीदार रूप में बैठे थे। बोले अभी अभी प्रभु राम से मिलना चाहता हूँ। बोले प्रभु विश्राम कर रहे हैं, सो रहे हैं। बोले जिस देश का राजा ऐसे सोता है उसकी देश में ऐसे ही अनहोनी होता है। बोले भैया बात क्या, बोले राम से बात करना चाहता हूँ। इतने में भगवान राम की नींद खुल गई, प्रभु राम निकल कर कहा, देखा गुरुजी, गुरुजी की चरण छू, देखा गुरुजी दुखी। बोले गुरुजी क्या बात है, राम जैसे शिष्य रहते गुरुजी दुख दुखी, बोले ऐसे शिष्य का जीवन धिकार है, बताओ गुरुजी क्या बात। बोले बात किया, मेरे अपमान नहीं, ये संत समाज की अपमान है, संत परंपरा की अपमान है, ये सुकांत सबका चरण छुआ केवल मेरे चरणों को छुए नहीं। भगवान राम ने कहा जिस दुष्ट ने मेरी गुरु जी की चरण में सर नहीं नमाया, कल सवेरे उसको सर को मैं काट दूंगा। जब भगवान ये बोले, भगवान को क्या कहते हैं, सत्यम परम धीमहि, भगवान परम सत्य है, भगवान जो प्रतिज्ञा करते वो सत्य होता ही है। अब ये बात धीरे धीरे सुकांत जी को कान में पहुंचा और सुकांत सुनकर तो रोना शुरू कर दिया। बोले नारद जी को देखो, झगड़ा लगा दिया कि नहीं, नारद जी हैं जा रहा था, अच्छा हैं सब चरण को सब संतों का चरण छूता तो कोई झगड़ा नहीं होता, देखो ऐसे हमें काम में लगा दिया, प्रभु स्वयं बोले कल सबर सर काट देंगे। अगर प्रभु ने प्रतिज्ञा की जरूर तो सर काटेंगे, प्रभु से कोई रक्षा नहीं कर सकते। इतने में उन्होंने श्री नारद जी को ढूंढना शुरू किया, नारद जी कहां गए, लेकिन जब ढूंढ रहे थे तब तो मिल नहीं रहे थे, हाँ? जब ढूंढ रहे तभी मिल नहीं रहे, जब नहीं ढूंढ रहे थे तभी मिल गए। इतने में देखा श्री नारद जी बिना बजाते बजाता है। बोले क्या बात है, क्यों रो रहे हो। बोले आपने लड़ाई लगा दिया, झगड़ा करा दिया, भगवान राम सवेरे मेरे को मारना चाह रहे हैं, हैं? इसलिए कर्ण मेरे को मरना है। बोले देखो ये मर्त्य जगत है, ये जगत कौन सा जगत है, मर्त्य जगत मतलब सबको मरना पड़ेगा, बताओ कौन नहीं मरेगा, सबको मरना पड़ेगा ना। बोले सबको तो मरना पड़ेगा, ये मरते जगत। बोले मैं मरना नहीं चाहता हूँ। बोले बताओ जगत में कोई मरना चाहते हो, बताओ कोई मरना चाहते हो, लेकिन मरना पड़ता कि नहीं, मरना पड़ेगा। बोले जगत में कौन मरना चाहता है। बोले नहीं मैं तो मरना नहीं चाहता हूँ। बोले एक काम करो, जाओ अंजना जी की शरण में चले जाओ। अब बताओ तो अंजना कौन है, हनुमान जी की माँ। कौन है अंजना, हनुमान जी की, ये हनुमान जी की माता जी का नाम अंजना। बोले अंजना जी की शरण में चले जाओ। अभी जा करके अंजना जी की चरण पकड़ कर रोने लग गए। अब माताओं का हृदय तो बड़ा कोमल होता है, हैं? इसलिए बड़ा कोमल है। बोले बेटा क्या बात है, क्यों रो रहे हो। बोले मैया आपको मेरे को रक्षा करो, नहीं तो मैं प्राण त्याग दे दूंगा, पहले संकल्प कर फिर मैं बताऊंगा। बोले मैं संकल्प करती हूँ तेरे प्राण रक्षा करूंगी, बताओ क्या बात है। बोले कल से विश्वामित्र मेरे को मारना चाहते हैं। बोले ठीक है बेटा, एक काम कर जाओ अंदर में बैठ। अभी हनुमान जी शाम को प्रभु की सेवा करते हुए घर में वापस आए, देखा माता जी बड़ी दुखी होकर बैठी। श्री हनुमान जी आकर के माता जी की चरण छुए। बोले माता जी अब दुखी हो, हनुमान जैसे बेटा रहते हुए मैया दुखी, मैया बताओ क्या बात है। बोले बेटा एक शरणागत व्यक्ति को जान को रक्षा करना,
भले मैं प्राण दे करके भी उसका प्राण को मैं रक्षा करूंगी। जब आपने ये बात प्रतिज्ञा की, बोले आओ सुकांत बाहर, बोले क्या बात है, बोले कल भगवान राम मेरे को मारना चाहते। अंजना बोली तू तो बोल रहा था विश्वामित्र मारेगी, बोले विश्वामित्र को है, विश्वामित्र राम से मरवाना चाहते हैं। हनुमान तो बड़े बुरी तरह से फंस गए, बोले और कोई होता तो हम रक्षा करता, मेरे प्रभु ही प्रतिज्ञा की रक्षा करने के लिए, प्रभु की प्रतिज्ञा को कोई तोड़ सकता है थोड़ी, कोई तोड़ नहीं सकते हैं। अभी हनुमान तो फंस गए, बोले ठीक है मैं देखता हूँ। हनुमान जी एकदम सवेरे सवेरे पहुंच गए अयोध्या में, देखा भगवान राम अस्त्र शस्त्र लेकर के सब धज करके निकल रहे। हनुमान जी प्रभु कहाँ निकल रहे हो, बोले सुकांत को मारने के लिए। बोले प्रभु एक व्यक्ति को क्यों मारोगे, उसको छोड़ दो। बोले नहीं, उसने मेरे गुरु जी के चरण में प्रणाम नहीं किया, जो सर को गुरु जी के चरण में नहीं नतमस्तक की वो दुष्ट बचने का कोई अधिकार नहीं, इसको मैं जान ले लूंगा। बोले प्रभु मैंने भी प्रतिज्ञा की रक्षा करने के लिए। बोले तुमने कैसे रक्षा कर, तुमने कैसे प्रतिज्ञा की। बोले प्रभु मेरे को पता ही नहीं था, मैं तो बीच में फंस गया बीच में। बोले तू जो कुछ करना कर, लेकिन मैं तो उसको जरूर मारूंगा। इतने में हनुमान जी आए, सुकांत को बोले बेटा मेरे साथ में चलो, और उसको साथ में ले गए, लेकर के बोले मेरे पीछे बैठ जाओ, पूछ को नीचे बैठ जाओ, चलो हम दोनों बैठी करके प्रभु का कीर्तन करते हैं। दोनों बैठी करके बोले रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, जय रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, जय रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, जय रघुपति राघव पतित पावन सीताराम, जय रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, जय रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। भगवान राम सब धज करके पहुंचे अंजना को घर में, बोले वो दुष्ट कहाँ गया सुकांत, बोले पता नहीं कोई एक बंदर आकर के साथ में कहीं ले गया। बोले बंदर कौन सा बंदर होगा, वो समझ गए ये हनुमान की गड़बड़ किया है, हाँ ये बंदर हनुमान लेकर गया। बोले गया कहाँ दुष्ट, ढूंढते ढूंढते देखा दोनों बैठे दिए, और सुकांत बोल रहा है बोले हनुमान जी कि जो दो अक्षर के बोले राम है, क्या भगवान राम से बचा लेगा। हनुमान जी बोल रहे चिंता क्यों कर रहे हो, भगवान के प्रति विश्वास करनी चाहिए, हरि से बड़ा हरि का नाम विश्वास करके नाम जप करो, और एक तो प्रेम से नाम कर रहे हैं और एक डर से नाम कर रहा है। हनुमान तो प्रेम से कर रहे हैं और सुकांत डर से कर रहा है। इतने में भगवान राम वहां पर पहुंचे, बोले वो दुष्ट गया कहां, देखा ये हनुमान को पीछे बैठा हुआ। इतने में भगवान राम ने उठाया अपना धनुष और बाण। भगवान का बाण कैसे, जब भगवान केवल तीर को स्पर्श करते हैं ना वो 100 गुण हो जाता है, जब निकालते हैं वो 1000 होता है, जब चढ़ाते हैं ना वो 1,00,000 होता है, जब खींचते हैं वो करोड़ गुण होता है, जब छोड़ते हैं वो प्राण को ले लेता है। भगवान का जो अस्त्र है जो बाण, कभी ये अकाट्य है ये अचूक बाण है, लेकिन जब उन्होंने बाण को प्रहार की, लेकिन दोनों क्या कर रहे थे, भगवान की नाम जप कर रहे थे, मानो नाम रूपी जो चक्र है ना उनको रक्षा कर रहा था। भगवान जब बाण मारते तो है, लेकिन वो चक्र में लगता है और गिर जाता है, चक्र में लगता है गिर जाता है। क्यों, हरि से बड़ा हरि का नाम, ये चीज को समझो, भगवत नाम में कितने शक्ति है। अगर भगवान की नाम अगर जप कर रहे हो ना, भगवान भी तुम्हें जो मार नहीं सकते, भगवान की बाण भी काम नहीं करता है। ऐसे प्रभु के नाम, भगवान राम बोले मेरे बाण अचूक है, अचूक मेरी बाण है, लेकिन पता नहीं ये बाण तो मारता हूं लेकिन उसको कुछ हो ही नहीं रहा है, लगता है गिर जाता है, लगता है गिर जाता है।
इतने में लक्ष्मण को तो बड़ा क्रोध आया, बोले ये तो प्रभु राम को ही तंग कर रहा है। उठाया लक्ष्मण अपना धनुष, धनुष उठा करके उन्होंने क्या की, मारेंगे किया सुकांत को। इसने हनुमान को पीछे वो बैठा हुआ, उन्होंने तो बाण सीधा हनुमान के ऊपर चला दिया। चलाया तो लगा तो प्रभु हनुमान को छाती में जा करके, लगा हनुमान को छाती में। इतने में भगवान राम ने बेहोश हो गए। बोले क्यों बेहोश हो गए राम? बोले हनुमान के हृदय में कौन बैठे? कौन बैठे? राम बैठे उसका हृदय में। इसलिए भगवान कहते हैं साथ हवा हृदय मुई हम साधु नाम हृदय तु हम, संतों का हृदय में मैं बैठा, मेरे हृदय में संत बैठे हैं। इसलिए अभी प्रभु राम जो बेहोश हो गए, सारा दुनिया आश्चर्य में पड़ गई। हनुमान की बक्खे स्थल में बाण लगा, प्रभु बेहोश हो गए। जब भगवान का होश आए, इतने में प्रभु राम कह रहे हैं, बोले अभी बताओ अभी मैं क्या करूं है। इतने में राम ने सुकांत जी को पूछे, बोले सुकांत ये बताओ कौन सा असत संग में तुम्हारी ये दुर्बुद्धि हुई जो कि मेरे गुरु जी के चरणों को तुमने प्रणाम नहीं की, कौन सा असत संग से? बोले ठाकुर जी असत संग से नहीं सत्संग से हुई। बोले सत्संग से इसे कौन सा सत्संग से? बोले से नारद जी ने बताया। इतने में भगवान राम ने पूछे, नारद जी तुम ये बताओ तुमने ऐसे दुर्बुद्धि कैसे दिया? बोले प्रभु मैं जहां जहां जाता हूँ सबके सब मेरे को एक ही प्रश्न करते हैं, भगवान बड़ा ना उनका नाम बड़ा। अभी बताओ कितने दुनिया को क्या मैं बताऊं भगवान बड़ा है ना उनका नाम बड़ा। मैंने सोचा ऐसे के लीला रचना करूं सारा दुनिया को क्या पता चल जाए, हरि से बड़ा हरि का नाम, प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम, हरि से बड़ा हरि का नाम, प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम। अंत में निकलाया परिणाम, अंत में निकलाया परिणाम, हरि से बड़ा हरि का नाम, हरि से बड़ा हरि का नाम, प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम, प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम, प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम। जिस सागर को लंग सके ना बिना डूबे राम, राधे राधे जिस सागर को लंग सके ना बिना डूबे राम, राधे उड़ गया हनुमान उसी को, उड़ गया हनुमान उसी को, लेके राम का नाम, हरि से बड़ा हरि का नाम, प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम। नारद जी बोले प्रभु मैं कितने को क्या समझाओ, ऐसे एक काम कर दो दुनिया को क्या पता चले भगवान का नाम भगवान से बढ़कर की। राम ने बताया अभी बताओ मैं गुरु जी को क्या बताऊं, मैंने जो प्रतिज्ञा की सवेरे इसका सर काट दूंगा, अभी गुरु जी को क्या बताऊं। इतने में श्री नारद जी आए, सुकांत जी आ गए। नारद जी बोले सुकांत जल्दी जल्दी जाओ विश्वामित्र के चरण में गिर पड़ो और माफी मांगो। इतने में श्री सुकांत गए और विश्वामित्र जी के चरण में गिर पड़े, माफी मांगी। जो संत है ना कहते ना संत हृदय नवनीत समान, संतों का हृदय मक्खन से भी ज्यादा कोमल संतों का हृदय है। संत संहार नहीं करते हैं, संत सवार दे, संत सवार नहीं संघार नहीं करते हैं। जब उन्होंने विश्वामित्र जी के चरण में गिर पड़े, विश्वामित्र जी अपराध को माफ कर दिए। बोले प्रभु राम आप तो मेरे लिए बताए थे ना, मेरे वजह से तो बताए थे उसको सर काट दूंगा, मैं माफ कर दिया, आप भी माफ कर दो, भगवान भी माफ कर दिए। इससे क्या पता चला है हरि से बड़ा हरि का नाम। इसलिए आज हम बैठी करके एक माला जप करके, माला दे दो तो दो चार व्यक्ति खड़े हो जाए, आज एक माला जप करके फिर प्रसाद लेके जाओ फटाफट दो, आज कोने के प्रसाद दे निकाल दो। हरे कृष्ण हरे कृष्ण
Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna. देखो आज जो नए नए आए हो देख लो, जो नए नए आए हो देख लो, और जो कल तो मैंने अब तो समझाया था. हाँ इधर देखो जो नए गोपी गोपा आए हो. हाँ देख ये अंगूर को स्पर्श नहीं कराने का. क्यों? ये अंगूर गंदा है, ये सबसे पहले निकलता है. हम तुमको देख लेंगे हैं, इसलिए ये अंगूर को हम बाहर निकाल कर रखते हैं. ये बीज वाले अंगूर को ऊपर में ये माला रखते हैं, और ये सुमेरु है, ये राधा कृष्ण का रूप है, उसको ऐसे उसको इस तरफ से रखना और एक तरफ से